नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील। आप देख रहे हैं स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। स्वागत है दोस्तों आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा, जितनी भी वीडियो मैं अपलोड करूँ ताकि उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। आज दोस्तों हम पढ़ने जा रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट टू। पार्ट वन मैंने ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिया है, अगर आपने अभी तक वो पार्ट नहीं देखा है तो पहले प्लीज उसको देख लीजिएगा, उसके बाद में हमारा ये पार्ट टू होगा, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा बहुत आसानी से। मैंने बड़े ही संक्षेप तरीके से, बहुत ही एक सिंपल तरीके से इसको बनाया है ताकि आपको टू द पॉइंट जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं उन्हीं पे ही बिल्कुल लेक्चर तैयार किया। ऐसा नहीं कि कोई आलतू फालतू टॉपिक्स हो या कुछ ऐसी चीज़ें रख रखी हो। करने को तो बहुत बड़ा हो सकता था ये लेक्चर और इसको बहुत ही डिटेल में कर सकते थे हम लोग, लेकिन बड़ा ही शॉर्ट तरीके से ताकि आप टू द पॉइंट पढ़ो और आपका एग्ज़ाम आसानी से क्लियर हो भी जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था हड़प्पा सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि कार्बन डेटिंग के अकॉर्डिंग 2350 से 1500 ईसा पूर्व चल रही थी। अब तक जो हड़प्पा सभ्यता में जो स्थल खोजे जा चुके हैं वो लगभग मैंने आपको बताए थे 1400 से 1500 स्थल थे वो खोजे जा चुके हैं। जब आज़ाद हुए थे तब तक हमने खोजे थे लगभग 40 स्थल, लेकिन वर्तमान में 1400 से 1500 है और सबसे ज़्यादा हमारे इंडिया भारत में ही है, लगभग 925। पाकिस्तान पड़ोसी मुल्क में है लगभग 475 और सबसे कम अफगानिस्तान में केवल 2। ये तीन ही देशों में फैली हुई है। भारत में अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा गुजरात में है, उसके बाद में ओवरऑल 7 राज्य हैं ये, जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, हरियाणा है, गुजरात है, और आपका इधर राजस्थान हो गया, नीचे महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, उत्तर प्रदेश हो गया, इन्हीं राज्यों में फैली हुई है। आज हम डिस्कस करते हैं इन 1400-1500 स्थलों का, तो पढ़ने का इतना कोई जरूरी इंपॉर्टेंस नहीं बनता, लेकिन जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट स्थल है वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख रखे हैं ताकि आपको अगर वीडियो को पॉज करके लिखना हो, नोट्स बनाने हो तो बहुत ईजी हो जाए। तो उस करके ये जो मेन स्थल है इनसे कुछ चीज़ें मिली है वो एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछी जाती है, तो वो यहाँ पे हैं, हम इन डिस्कस करते हैं। जैसे सबसे पहले हड़प्पा स्थल आपका, ये खोजा ही गया था, इंपॉर्टेंट ही यही है, सबसे पहले यही खोजा गया था, आपको पता होगा। अच्छा, ये सबसे पहले खोजा गया था, इस सभ्यता का नाम इसी वजह से हड़प्पा सभ्यता ही रख दिया गया, एक तो सबसे बड़ा था, एक सबसे पहले खोजा गया था। इसकी खोज की है D.R. साहनी, यानी कि राय बहादुर दयाराम साहनी, पूरा नाम तो इनका ये है लेकिन शॉर्ट फॉर्म में पढ़ें तो दयाराम साहनी ने 1921 में खोज की थी। आपको मैंने कल के वीडियो में बताया था कि जो हमारे जॉन मार्शल थे, पुरातत्व विभाग के जो अध्यक्ष थे, उनके जो नेतृत्व में D.R. साहनी ने 1921 में एक जो नगर की खोज की, जब खुदाई करने पे पता लगा तो यहाँ पे तो पूरा का पूरा शहर बसा था किसी ज़माने में। गवर्नमेंट ने भी वहाँ पे किसी का आना जाना बंद कर दिया और उसको अच्छे इत्मीनान से खोजने लगे, तो देखने में पाया कि ये जो नगर है वो रावी नदी के बाएं तट पे पड़ता है। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, सिंधु नदी की एक पार्ट नदी है जिसका नाम है रावी नदी, और उस रावी नदी के बाएं तट पर, ज्यादातर पेपरों में पूछा जाता है, आप ज्यादा मत याद रखिएगा, लेकिन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को बाएं दाएं का रख याद रख लीजिएगा, एक रावी नदी है जो कि इसकी आपके हिमाचल प्रदेश से निकलती है और इसके अंदर जाके मिलती है सिंधु नदी के अंदर ही। वैसे पहले चिनाव में मिलती है फिर जाके सिंधु में मिलती है, तो ये बात मैंने सिंधु नदी वाले लेक्चर में बता रखी है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे दूंगा सिंधु नदी का, आप उस वीडियो को भी अच्छे से देख लीजिएगा। अच्छा जी, रावी नदी के बाएं तट पे इंपॉर्टेंट बात। दूसरा, एक सींग वाले पशु की ये पूजा करते थे हड़प्पा सभ्यता वाले लोग, एक सिंगी पशु। आपने एक मोहनजोदड़ो मूवी है उसमें देखना, ऋतिक रोशन को सपने भी एक सींग वाले जानवर के आते हैं, एक सिंगी, एक ही सींग होता था, उसकी ये पूजा करते थे, उसको ये पशुपतिनाथ की तरह ही पूजा करते थे, इनका मतलब इनका ये मेन पूजा करने वाला पशु था। अच्छा, अन्नागार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस सभ्यता की सबसे इंपॉर्टेंट बात ही यही थी कि इसमें अन्नागार मिले हैं। अच्छा, बात बताइएगा मुझे, अभी हमारी इकोनॉमी चल रही है वो चल रही है सरप्लस इकोनॉमी, उस ज़माने में भी सरप्लस इकोनॉमी रही होगी, यही आश्चर्यचकित करने वाली बात है एक, कि आज से लगभग 5000 साल पहले
और इकोनॉमी चल रही है सरप्लस। सरप्लस मतलब क्या, जीने से ज़्यादा। अभी इनको चिंता नहीं थी आने वाले कई सालों तक। देखिए सपोज करें हमारे घर में कितना अन्न स्टोर है हमारे पास, 50 दिनों के लिए, 100 दिनों के लिए, 200 दिनों के लिए, एक साल के लिए लगभग, 300-400 दिनों के लिए हम लगभग हमारे घर में गेहूँ रख लेते हैं। अगले साल के लिए तो इतना नहीं, ऐसा तो नहीं है कि हम 5-10 साल तक इतना हमारे पास अन्न पड़ा है कि हम 10 साल तक भी खाते रहें तो भी कम ना हो। लेकिन इनके पास ऐसा बोला जाता है कि कुछ ऐसा सिस्टम रहा था, इतनी ग्रेनरी या अनाज अन्नागार रहे होंगे कि आने वाले कई सालों तक भी खाते तो इनके पास इतना कम ना होता। तो बड़े बड़े अन्नागार के अवशेष मिले हैं, इतनी अच्छी इनकी सरप्लस इकोनॉमी थी। कब्रिस्तान के भी अवशेष मिले हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिख रखा है, ठीक है। कब्रिस्तान, लोगों को मोह प्यार हो गया था एक दूसरे से, और मोह प्यार में क्या है कि लोगों को दफनाना शुरू किया था इन्होंने, तो कब्रिस्तान के अवशेष मिले हैं हड़प्पा सभ्यता से। इतनी अच्छी सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता, इसके अंदर लोगों से मोह प्यार तो था ही था, साथ के साथ जो आपके दफनाते थे उनको किसी बॉक्स के अंदर, मतलब किसी बॉक्स के अंदर पैक करके फिर दफनाया जाता था आपका। अच्छा, ये सभ्यता पूरी पक्की सभ्यता थी, इसका हमने कल डिस्कस कर ही लिया था। बिल्कुल कच्ची ईंटों के तो काफ़ी कम ही अवशेष मिले हैं, यहाँ पर पक्की ईंटों की घर थे, पक्की ईंटों की नालियाँ, पक्की ईंटों की सड़क, सब कुछ पक्का पक्का था यहाँ पर आपका। दूसरा इसी का एक स्थल है मोहनजोदड़ो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसका मैंने आपको बताया कि मोहनजोदड़ो कभी न कभी इसकी राजधानी रही होगी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये बात। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 35,000 से 40,000 लोगों के साक्ष्य मिले हैं, डेड बॉडीज मिली है, और ऐसा बोला जाता है कि ये सिंधु घाटी सभ्यता की जो है वो राजधानी रही होगी। इसको मृतकों का टीला कहा जाता है, ठीक है, काफ़ी सारी डेड बॉडीज मिलने के कारण इसे मृतकों का टीला। अच्छा, मोहनजोदड़ो से सबसे इम्पोर्टेंट अगर क्वेश्चन आ सकता है तो वो यही है कि विशाल स्नानागार, सबसे बड़ा बाथरूम मिला था आपका। इतना बड़ा बाथरूम था, लगभग लगभग 10 से 11 मीटर आपका लंबा था, भाई आप बोल दो 30-31 फीट लगभग आपका लंबा था, और 20-21 फीट आपका चौड़ा था, 2-2.5 मीटर गहरा था, इतना बड़ा बाथरूम। अब ये बाथरूम तो हो नहीं सकता हमारी नज़रिए में, आज हम इसका क्या नाम देंगे, स्विमिंग पूल रहा होगा उस ज़माने में। अब एक बात बताओ, आज हम नॉर्मली बाथरूम में नहाते हैं, नॉर्मली हमारे पास बाल्टी से नहाना या फवारे से नहाना, ऐसी इकोनॉमी है। हर गांव में या हर घर में स्विमिंग पूल नहीं, और जिनके घर में स्विमिंग पूल है मतलब उनकी इकोनॉमी बेस्ट रहे, बहुत बेस्ट इकोनॉमी रही होगी उनकी, तो या उनके पास में पैसा बहुत ज़्यादा है, ऐसा इनके पास था। ये इनके पूरे नगर में या इनके गाँव में जो भी था सेक्टर था इनका, विशाल स्नानागार था। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये, यहाँ से ये भी इम्पोर्टेंट है, नृत्य की, नृत्य करती हुई एक मूर्ति मिली है, कांस्य की मूर्ति, वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिकली हड़प्पा सभ्यता को या सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य सभ्यता ही कहा जाता है, कांस्य या तांबा। ये लोग जो थे वो धातु में अगर बात करें लोहा, तो लोहे से अपरिचित से, लोहे का तो इनको ज्ञान था ही नहीं कि लोहा है भी क्या। मेन सबसे पहले इन्होंने तांबे का ही यूज़ किया था, हाँ तांबे के साथ में थोड़ा टीन मिला के इन्होंने कांस्य बना दिया था। मैंने आपके यहाँ पे लिखा हुआ है टी प्लस टी इज इक्वल टू के, तांबा प्लस टीन इज इक्वल टू के, ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं इसको अभी। तो नृत्य की कांस्य की मूर्ति, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है पेपर में कि नृत्य की कांस्य की मूर्ति जो है इनमें से किस स्थल में, ऑप्शन आपको मिल जाएगी हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चौहदड़ो, तो आप क्या याद रखना ये मोहनजोदड़ो से मिली है। ये कहां पड़ता है, ये सिंधु नदी के दाएं तट पे पड़ता है। मैंने कहा आपको ये दो याद रख लो, बाकी जरूरत नहीं है। इसकी खोज किसने की, इसकी खोज की राखल दास बैनर्जी ने 1922 में, इसके तुरंत बाद 1921 में तो दयाराम सानी ने हड़प्पा की थी, और 1922 में तुरंत बाद मोहनजोदड़ो की खोज कर दी थी राखल दास बैनर्जी ने। आपको ये बात समझ आई होगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मोहनजोदड़ो, सबसे बड़ा नगर। इसके नगरों के बारे में मैंने विस्तार से बताया है पार्ट वन में वीडियो के। अगला जो हमारा है वो चहुंदड़ो है, ये भी इम्पोर्टेंट इस वजह से रहा है आपका चहुंदड़ो, जितने भी पार्लर से रिलेटेड काम होता है आज के ज़माने में, जो लिपा पोथी वाला काम होता है, POP है जो मुंह पे करती है, ठीक है, POP मतलब फाउंडेशन, ये जो होता है सजने संवरने का काम होता है, वो सब कुछ काम ये भी करते होते थे। मतलब इनके अंदर डिफेक्ट हमेशा से चला आ रहा है, ठीक है, तो ये डिफेक्ट इनका यहाँ पे भी था, पर ये पार्लर का नाम जो पेपर में हमसे आप पूछा जाता है वो ये है सौंदर्य प्रसाधन सामग्री, ठीक है, ये थोड़ा हिंदी का नाम है बस। हाँ, पार्लर थे, काजल के इनके यहाँ पे साक्ष्य मिले हैं, लिपस्टिक, लिप बाम जैसे इनके भी कुछ साक्ष्य मिले हैं। काजल को ये अनंत शालिका बोलते थे, ठीक है, और ऐसे इन्हें यहाँ पे साक्ष्य मिले, मतलब सजने संवरने का काम, लिपा पोती करने का काम, POP का करने का काम, सब कुछ जो मिले हैं संसाधन वो सारे चहुंदड़ों से मिले हैं। तो ऐसा है कि यहाँ पे मतलब सजने संवरने के लिए ऑर्नामेंट, आभूषण पहनते थे, ये आभूषण का जिक्र मैंने कल किया था,
सोने के, चांदी के, इसके अलावा ये हाथी के दांत के, मिट्टी के, मन के, सिप्पी, शंख, ऐसे कई आभूषण पहनते थे। कीमती पत्थर और मन के, ये दो इंपॉर्टेंट है जो यहाँ से मिले हैं। ये यूज तो देखो सारे करते थे, लेकिन पेपर में तो हमसे ये पूछा जाएगा कीमती पत्थर इनमें से किस स्थल पे मिले, तो आप क्या याद रखोगे, चहुंदड़ों से, या मन के, मिट्टी के मन के जो है, मिट्टी के मन के बनाते हैं, इनको पका के और उनकी माला बना के ऐसे पहनते थे, तो ये भी चहुंदड़ों से मिले हैं। अच्छा, चहुंदड़ों की खोज किसने की थी, तो इसकी खोज की है एन जी मजूमदार ने, वो भी आप याद रखिएगा। ये जितने भी मैंने बात लिख रखी है, ये टू द पॉइंट लिखी है, सब चीज पेपर में पहले आ चुकी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आप वीडियो को देखिएगा, अच्छे से अपने नोट्स भी बना लीजिएगा ताकि आपको ये याद रहे टिल योर एग्जाम। चलिए, नेक्स्ट जो हमारा स्थल है वो है कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा इसका नाम ही इस वजह से पड़ा है, काली मतलब ब्लैक और बंगा मतलब चूड़ी, तो यहाँ पे ऐसा बोला जाता है चूड़ियों के अवशेष मिले हैं, और ये कालीबंगा पड़ता है राजस्थान में, आपका वर्तमान में हनुमानगढ़ वाला जो एरिया है उस साइड पड़ता है ये, और कालीबंगा पड़ता है घग्गर नदी के किनारे। ये नदी हिमाचल प्रदेश के डगसई से निकलती है और उस नदी के किनारे पड़ता है ये कालीबंगा, या इसी नदी के आसपास है ये राजस्थान में। अच्छा, यहाँ से जो इंपॉर्टेंट बात मिली है वो है जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, खेतों की जो जुताई कर रखा है उसके साक्ष्य मिले हैं। ये जो नगर था आपका, यहाँ पे पक्की ईंटों के हल, पक्की मिट्टी के हल मिले हैं, ईंटों के साक्ष्य भी सबसे ज़्यादा इसी स्थल से मिले हैं आपके, और पक्की मिट्टी के हल मिला है। देखो, मिट्टी का हल आए तो आपके मन में दो चीज़ याद आनी चाहिए, एक पड़ता है बन्नावाली। ठीक है, बन्नावाली आपने सुना होगा। ठीक है, बन्नावाली पड़ता है हरियाणा में, पड़ता है हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में, था ये पहले, लेकिन वर्तमान में ये पड़ता है फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में। तो बन्नावाली स्थल से मिले हैं हरियाणा में, वो भी मिट्टी का हल, पर मिट्टी के हल के खिलौने मिले हैं, ये बात आप याद रखिएगा। यहाँ पे पक्की मिट्टी का हल जिससे खेती की जा सकती है, वैसे प्रकार के हल के साक्ष्य मिले हैं, और यहाँ से जो हल मिला है, हालांकि उससे भी खेती करने, लेकिन खेती का जैसे प्रोटोटाइप सा होता है, मिट्टी के जो हल है उसके खिलौने टाइप से यहां मिले हैं। यह भी क्वेश्चन हो सकता है बन्नावाली किस नदी के किनारे पड़ता है, तो यह पड़ता है सरस्वती नदी के किनारे, सबसे पवित्र नदी थी वैदिक काल की, और हमारे लिए भी आज भी उतनी ही पूजनीय है जितनी कि उस जमाने में यह कभी रहा करती थी। ठीक है, तो आप कालीबंगा से याद रखिएगा इतनी चीज। अच्छा, एक बात और याद रखिए कालीबंगा से, मैंने आपको कल बताया था ना पूर्वी और पश्चिमी टीलों के बारे में बताया था, ठीक है, इनके चार दीवारी के बारे में बताया था। ठीक है, चलिए मैं आपको लास्ट में बताता हूँ, ये वाला पार्ट लास्ट में बताता हूँ, अभी के लिए आप इतना याद रखिए कि ये स्थल है जो मेन चीज़ है आपकी। अगला जो आपका स्थल है वो रंगपुर पड़ता है, रंगपुर पड़ता है गुजरात में, और गुजरात में एक भादर नदी है, उस नदी के किनारे पड़ता है। तो ये रंगपुर से इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से मिली है धान की भूसी और गेहूं के अवशेष मिले हैं। आपको मैंने बताया होगा कि गेहूं और जो सबसे पहला इनका मुख्य था, उसके बाद में जो आपका गेहूं था, फिर चावल था, ये इनकी मुख्य खाद्यान्न फसलों में से थी एक, और रंगपुर में से इनके धान की भूसी। हमसे ये पूछा जाएगा पेपर में धान की भूसी इनमें से किस स्थल से मिली है, तो आप क्या याद रखोगे, रंगपुर से मिली है। बात समझ आ रही है आपको, वेरी गुड। नेक्स्ट आपका रोपड़, रोपड़ पड़ता है पंजाब में, ठीक है, पंजाब में पड़ता है आपका ये रोपड़, और पंजाब में सतलुज नदी के किनारे। अच्छा, अक्सर पेपर में ये क्वेश्चन आता है कि लुधियाना किस नदी के किनारे पड़ता है, तो लुधियाना भी सतलुज नदी के किनारे है। सतलुज नदी निकलती कहाँ से है, ये निकलती है मानसरोवर के राक्कसताल झील से, जो आपको मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ उसको, उसमें आप सिंधु नदी के साथ साथ सतलुज नदी के बारे में भी थोड़ा जान लोगे। ठीक है, क्योंकि सतलुज नदी भी सिंधु नदी की ही सहायक टाइप नदी है आपकी। अच्छा, यहाँ से क्या मिले हैं, यहाँ से अवशेष मिला है मानव के साथ कुत्ते के दफनाने के साक्ष्य। इनका सबसे फेवरेट जानवर उस टाइम पे कुत्ता रहा होगा ऐसा बोला जाता है, और ये कुत्ते के साथ विचरण करते थे, कुत्ता मतलब पालते भी थे, और कुत्ते के साथ दफनाने के जो साक्ष्य मिले रोपड़ से, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है पहले। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट इन स्थलों में जो ज़्यादातर पूछा गया है पेपरों में, लोथल। मैंने कल बताया था आपको लोथल में पीछे लय है और चावल में भी पीछे लय है आपका, तो यानी कि लोथल से चावल के साक्ष्य मिले हैं, और लोथल में बंदरगाह टाउन भी था आपका। ये पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह टाउन कौन सा था, तो लोथल था। यहां से व्यापार करते थे बेसिकली एक चीज का, जिसका नाम था लाजवर्द। ठीक है, लाजवर्द का व्यापार करते थे। अब ये लाजवर्द क्या है, लाजवर्द जो है आप इस बंदरगाह से करते थे, बाकी मांडा जैसे स्थान पड़ता है जम्मू कश्मीर में, बाकी और आपके ईरान वगैरह है, वहां से लाजवर्द का व्यापार करते थे। लाजवर्द एक जिप्सम है, एक सीमेंट टाइप का एक पदार्थ है, इसमें पक्की ईंटों के जब मकान बने थे, ईंटों को चिपकाने के लिए कुछ तो चाहिएगा ना, तो ईंटों को चिपकाने के लिए एक प्रकार का एक पदार्थ था आपका।
अच्छा सर, भूले की क्या लिख रखा है ये? भूले की का मतलब है, भय का मतलब है भोगुआ, ले मतलब लोथल, गए मतलब गुजरात। तो आपको ये याद करने के लिए हो सकता है लोथल इंपॉर्टेंट है, तो छोटी सी एक ट्रिक या एक ही नाम याद कर देना, भूलेगी। भय मतलब भोगुआ नदी पे पड़ता है लोथल, और ले मतलब लोथल स्थल है, और गए मतलब गुजरात, तो आपका लोथल पड़ता है गुजरात में, इतना याद रखिएगा, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, इससे पूछा जा सकता है, वो ये है कि व्यापार के बारे में, इनका व्यापार कैसा था। तो सबसे इंपॉर्टेंट अगली जो बात है हमारी, वो है व्यापार से संबंधित। ये व्यापार किस चीज का करते थे? व्यापार करते थे, मेनली व्यापार अगर हम बात करें तो व्यापार इनका था वस्तु विनियम द्वारा, ठीक है, वस्तु विनियम। वस्तु विनियम का मतलब क्या होगा कि सब कुछ वैल्यू एक्सचेंज था भाई। इनके पास में ऐसा उस जमाने में नहीं रहे होंगे भी नोट रहे होंगे, और ये इनके जमाने में मोदी, प्रधानमंत्री मोदी रहे होंगे और कह दिया होगा रात को 12 बजे, भाइयों और बहनों आज रात से सब नोट बंद। ऐसा नहीं था उस जमाने में, मतलब यहाँ पे जो करंसियां रही थी, तो करंसी थी नहीं, वस्तु विनियम। मान लो मेरे पास ये मार्कर है, सामने वाले मेरे को चाहिए चावल, सामने वाले को चाहिए मार्कर, तो क्या करना पड़ेगा मुझे? ऐसा व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा किसी को, मैं उसको दे दूंगा मार्कर और मार्कर के बदले मैं चावल ले लूंगा। ऐसे में प्रॉब्लम तो होती है, क्योंकि मेरे को ऐसा पर्सन पर्टिकुलर ढूंढना पड़ेगा कि जो चावल देने का इच्छुक हो और मार्कर लेने का इच्छुक हो, जो मार्कर की जरूरत पड़ रही हो जिसको। तो ये धीरे धीरे बाद में चेंजेज आए, और उन्होंने एक नॉर्मली जैसे होता है ना दुकान टाइप से, ऐसा उन्होंने खोल लिया था, जिसको जो जरूरत होती थी वो सामान अपना रख लेते, पर मेनली करंसी नहीं थी, वस्तु विनियम का व्यापार था। अच्छा, व्यापार करते क्या थे? मेनली व्यापार, एक तो लाजवर्थ का मैंने बता ही दिया आपको, दूसरा व्यापार में ये इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों थे। इंटरनल मतलब क्या, जो ये सभ्यता है ये अंदर अंदर, और दूसरे एक्सटर्नल अगर हम अब की बात करें तो दूसरे देश, जैसे एक्सटर्नल में जैसे सोना है हमारा व्यापार में, जैसे कर्नाटक इंटरनल में आता है, अफगानिस्तान जो है आपका, अफगान वाला शहर है अफगान, वहाँ से भी करते थे सोने का। कर्नाटक आज भी भारत में बहुत है, और अफगान से ये मंगाते थे सोना आपका। अच्छा, बात करें चांदी की, तो चांदी हमारे भारत में होती ही नहीं थी उस टाइम पे, चांदी जो थी वो ईरान और अफगान से ये पहले मंगवाते थे। तांबा बहुत इंपॉर्टेंट है, तांबा बलूचिस्तान जो कि वर्तमान में पाकिस्तान का स्थल है, और खेतरी राजस्थान में पड़ता है, वहाँ से मंगवाते थे, महेंद्रगढ़ के आसपास, महेंद्रगढ़ रेवाड़ी के आसपास है अभी वर्तमान में, यहाँ से मंगवाते थे ये आपका तांबा। अच्छा, टीन अफगान और मध्य एशिया, यहाँ से इसका व्यापार किया जाता था। T+T, तांबा और टीन को मिलाया तो आपका बन गया कांस्य, मैंने शॉर्ट में लिखा है, वैसे ब्रास ब्रोंज अलग होते हैं ये, मैंने वैसे नॉर्मली याद करने के लिए तांबा प्लस टीन मिलाया तो आपका बनता है कांस्य। ये कई बार पूछ लेते हैं मिश्र धातु, तो आप याद कर सकते हो। तो आपको ये व्यापार वाली बात भी समझ आई होगी, वेल डन। अच्छा, अब ये जो बताता हूँ लास्ट में कि ये क्या चीज़ है आपके, एक्चुअल में आपको लास्ट टाइम मैंने बताया होगा कि इनके दो टाइप से जो पार्ट या नगर बने हुए होते थे, एक नगर था उसको बोलते थे पश्चिमी टीला, और एक को बोलते थे पूर्वी टीला, ठीक है। पूर्वी टीला जो होता था वो पश्चिमी टीले से थोड़ा नीचे होता था आपका, और इसको दुर्ग भी बोलते थे, और उसके चारों तरफ चार दीवारी है। जितने भी हड़प्पा सभ्यता के थे उनमें लगभग दो दो टाइप में थे, इसमें पुरोहित वर्ग रहता था, इसमें शहरी लोग रहते थे आपके। लेकिन एकमात्र ऐसा है धोलावीरा, जिसके अंदर ये तीन मिले हैं, ये मैंने लिख रखा धोलावीरा के अंदर लगभग, बाकी सभी में दो दो ही है पार्ट में बंटा हुआ, लेकिन धोलावीरा जो स्थल है उसमें तीन टाइप से नगर बंटा हुआ था, पूर्वी, पश्चिमी और मध्यमा, ठीक है, ये तीन टाइप से नगर बंटा हुआ था। अच्छा, इस पश्चिमी की ना चार दीवारी होती थी, क्योंकि यहाँ पे पुरोहित वर्ग रहता था और सिक्योरिटी के लिए। केवल मात्र एक आपका कालीबंगा ऐसा स्थल है जिसमें पूर्वी और पश्चिमी दोनों के चार दीवारी के साक्ष्य मिले हैं। ये देखो, दोनों के चार दीवारी के साक्ष्य मिले हैं, ऐसा बोला जाता है। वहाँ पे पक्की ईंटें थी और ईंटें इतनी ज़्यादा होती थी, उस वजह से यहाँ पे सबसे ज़्यादा साक्ष्य मिले थे इस चीज़ के। और ऐसा भी बोला जाता है कि सबसे ज़्यादा पक्के आंगन, या लगभग पूरी सभ्यता में पक्के आंगन जो मिले हैं वो मिले हैं कालीबंगा के ही मिले हैं आपके। तो आपको ये बात भी क्लियर हुई होगी, पक्के आंगन के जो अवशेष है सभी के इसी में ही है, पक्की दोनों जो नगर थे दोनों के ही चार दीवारी थी। अच्छा, एक लोथल और सूरकोटड़ा आपका जो है ये स्थल है, इसमें क्या था, पश्चिमी और पूर्वी दोनों के इकट्ठे ही ये चार दीवारी मिली है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो, एक तो लोथल एकमात्र ऐसा नगर जिसके सड़क के जिसके घरों के दरवाजे थे वो गलियों में ना खुल के मुख्य सड़क पे खुलते थे, ये बात मैंने आपको बताई पहले वाली वीडियो में। दूसरी बात, लोथल और सूरकोटड़ा ऐसे थे जिनके पूर्वी और पश्चिमी टीलों के दोनों को इकट्ठे ही बाहर चार दीवारी थी, ठीक है, इस बात को भी आप याद रखोगे।
अगला आपका चहुंदड़ो। चहुंदड़ो एकमात्र ऐसा स्थल जिसके दोनों में चार दीवारी नहीं थी, ना पूर्वी में ना पश्चिमी थी भी आपकी, ठीक है। वो भी आप जो जिस पे ये लिपा पोती वाला सामान, सौंदर्य प्रसादन सामग्री वाला, और धोलावीरा मैंने बता ही दिया आपको कि इस पे आपका एक आपका अलग भी था, तीन पार्ट में बंटा हुआ था। बेसिकली हड़प्पा सभ्यता में चार प्रकार के लोग बोले जाते हैं, भूमध्य सागरीय थे, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई, मंगोलियाई, अल्पाइन, ऐसे चार वर्ग के लोग थे। समाज भी चार प्रकार से बंटा हुआ था, ऐसे विद्वान थे, पुरोहित थे, योद्धा थे और श्रमिक थे। चार थे, पुरोहित, विद्वान, पहले विद्वान थे, फिर पुरोहित थे, फिर योद्धा थे और फिर श्रमिक थे। जैसे हमारा आगे हम पढ़ेंगे वर्ण व्यवस्था में आपके ये होते हैं शूद्र होते हैं, स्त्री होते हैं, वैश्य होते हैं, इसी प्रकार के यहाँ पे भी चार प्रकार का समाज बंटा हुआ था। जो पुरोहित वर्ग था या विद्वान वर्ग था वो तो रहता था आपका इस पश्चिमी टीले में या ऊंचे दुर्ग में, जो श्रमिक वर्ग था या जो आपका योद्धा वर्ग था शहरी, वो रहता था पूर्वी आपके इसमें टीले में, ठीक है। इतनी बात आप याद रखिएगा इस हड़प्पा सभ्यता से। तो ये थी एक बहुत ही एक सुंदर आपकी व्यवस्था हड़प्पा सभ्यता। इसका पतन बोला जाता है कि बाढ़ आने के कारण हुआ है, एक बहुत जैसे कि हमने मोहनजोदड़ो मूवी में भी देखा था, वैसे इसके कई कारण हैं। ऐसा बोला जाता है कि कुछ युद्ध हुआ था, अभी आर्य आएंगे आगे भारत में, आर्यों ने इनके साथ में युद्ध लड़ा है, युद्ध की वजह से ये जो थे परास्त हो गए हैं, ठीक है। कई इसके साक्ष्य मिले हैं और कोई है कि मतलब चल ही रहे थे, हिंदुओं की तरह ही एक सभ्यता थी आपकी, भगवान शिव की पूजा करते थे ये भी, क्योंकि इनके इनके पास भी एक ऐसे भगवान की फोटो मिली है जिसके पास दो हिरण है, एक घोड़ा है, एक बैल है, एक त्रिशूल है। तो ऐसा बोला जाता है कि वो मोहनजोदड़ो से मिली है, तो ऐसा बोला जाता है कि ये भी कभी ना कभी भगवान शिव की पूजा करते होंगे आपके। आज जो नेपाल में पशुपतिनाथ का मंदिर है, तो ऐसा बोला जाता है कि वो इनसे ही संबंधित रहा होगा आपका कभी ना कभी। खैर बहरहाल इन सभ्यता का धीरे धीरे अंत होता गया, और अंत मेन जो कारण देखने को मिला है वो बाढ़ आने के कारण हुआ है इस सभ्यता का अंत, ठीक है। तो आप याद रखिएगा इतना। तो यही थी दोस्तों आपकी एक हड़प्पा सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन, मैंने बड़े ही संक्षेप और छोटे से तरीके से आपको बताने का प्रयास किया है। कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना मत भूलिएगा। अगला जो हमारा इसका लेक्चर होगा तो हम इसको सिक्वेंस में पढ़ेंगे, वैदिक काल पढ़ेंगे हम, ठीक है। बड़ा सिक्वेंस में डिटेल से आगे पढ़ते जाएंगे धीरे धीरे, तो वैदिक काल के बारे में देखेंगे क्या रहेगा। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।